नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकास खंड थलीसैल के सभागार में वित्तीय साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें NRLM के तहत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर वित्त समन्वयक धनंजय प्रसाद भट्ट ने उपस्थित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें, जिससे स्वरोजगार कर आर्थिक मजबूती बन सकेगी। वित्तीय समन्वयक ने आयोजित कार्यशाला में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को NRLM की विस्तृत जानकारी दी। कहा कि अन्य ग्रामीण महिलाओं को समूहों में से जुड़ना चाहिए, जिससे वह भी अन्य समूहों की तरह स्वरोजगार कर अपनी आर्थिकी मजबूती बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि समूहों की महिलाओं को पहाड़ी व्यंजन के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वह अपने घर में रहकर ही पहाड़ी व्यंजनों का क्रय कर सकेंगे। उन्होंने महिला समूहों को कहा कि अन्य महिलाओं को भी समूहों में शामिल करें, जिससे आय का साधन में बढ़ोतरी हो सकेगी। साथ ही उन्होंने मुर्गी पालन, मत्स्य डेयरी, पाली हाउस सहित अन्य की जानकारी दी। इस दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन सहित बैंकिंग की जानकारी साझा की गई। कार्यशाला में विकास खंड थलीसैल व बीरो खाल की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। दंड का पैसा उसमें जुड़ा होता है, और इवन जो कहीं से आपको डोनेशन आया या आपको परियोजना ने रिवॉल्विंग फंड दिया है, वो भी आपकी ताकत से जुड़ता है। तो जितना आपके बचत खाते में सपोज 6 महीने में 15,000 रुपया हो गया या 20,000 रुपया हो गया, 25,000 रुपया, तो वो धनराशि आपका कार्पस, जिससे आप आपसी लेन देन करते हैं, ठीक है ना। तो वो कार्पस होता है। तो जो फर्स्ट सीसेल आपका होता है, तो उसका नियम है, उसका 6 गुना, कितना गुना,